हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डार्विनवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और 1831 में डार्विन को बिकल HMS बिकल नामक जहाज पर 5 वर्षों तक प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में यात्रा करने का मौका मिला। इस दौरान उसने अनेक पादपों, जंतुओं, जीवाश्मों आदि आदि का अध्ययन किया और अमेरिका के 600 मील दूर गैलपीगो द्वीप के समूह के जीवों को विशेष रूप से अध्ययन किया। और ये द्वीप समूह डार्विन की नेचुरल जो लेबोरेटरी है वो बना। यहाँ इसने भिन्न भिन्न प्रकार के कछुओं पर अध्ययन किया और फिंच नामक पक्षी पर अध्ययन करके इनके चोंच का रूपांतरण का अध्ययन किया एवं इन सब की को प्रेक्षणों को ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण से जातियों का उद्भव नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। और बाद में यात्रा से 1878 में लौटने के बाद माल्थस द्वारा जनसंख्या के सिद्धांत को पढ़ा और इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की वृद्धि जावेतीय आधार पर बढ़ती है जबकि खाद्य पदार्थों की गणितीय आकार में कमी होती है। इस प्रकार जंतुओं की वृद्धि दर खाद्य पदार्थों की वृद्धि दर से अधिक होती है। अल्फ्रेड रसल नामक वैज्ञानिक ने डार्विन के समान ही निष्कर्ष प्राप्त कर लिए थे। संयोगवश उसी समय जो रिसर्च पेपर शोध पत्र को समालोचन के लिए डार्विन के पास भेजा और आश्चर्यजनक बात यह थी कि दोनों के विचार समान थे। अंत में दोनों ने मिलकर के लीनियस सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में संयुक्त रूप से अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और 1859 में डार्विन ने अपने प्रेक्षणों और निष्कर्षों से अपनी पुस्तक जातियों की उत्पत्ति में पब्लिश या प्रकाशित किया। तो ये एक डार्विन की हिस्ट्री के बारे में बात थी कि डार्विन ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किया और उसके बाद डार्विन के सिद्धांत जो मूल बिंदु पर आए तो उसके सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स थे उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें पहला पॉइंट जो था वो उत्पादकता, अति उत्पादकता यानी अधिक जनन। प्रत्येक प्राणी जीवन में जनन की सहायता से जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। इसके लिए उनमें अत्यधिक जनन क्षमता पाई जाती है। परंतु एक जीव द्वारा उत्पन्न सभी संतानें जीवित रहें तो पृथ्वी पर जंतुओं की भरमार हो जाएगी और जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। नेचर अपने आप इसको सेटल करती है। पैरामिशियम में जैसे द्विविखंडन पाया जाता है वह प्रत्येक 16 घंटे के बाद द्विविखंडन होता रहता है। यदि 5 वर्षों तक यह क्रिया लगातार चले तो पैरामिशियम का आयतन पृथ्वी के आयतन से लगभग 10,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण अति उत्पादकता का कि सॉल्मन मछली एक जनन ऋतु में 2.8 × 10^7 मिलियन अंडे देती है और एक हाथी का जोड़ा अपने जीवन काल में 6 शिशु को जन्म देता है। यदि ये 6 शिशु इसी तरह जन्म करते रहें तो 1,90,00,000 हाथी उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि अगर सभी जंतु जीवित रहें, कोई भी मरे नहीं,
और लगातार इनकी वृद्धि होती रहे तो असंतुलन पैदा हो जाएगा इस पृथ्वी पर। जंतुओं में इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद जीवों की संख्या भिन्न भिन्न कारणों से कम होती गई, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर द्वारा संपादित अंडों को मछली खा जाती है और बहुत कम शेष बचे हुए अंडे ही वयस्क बन पाते हैं। दूसरा उदाहरण, अपन दूसरा जो पॉइंट अपन कह सकते हैं वो है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। डार्विन के अनुसार जंतुओं में वृद्धि बहुत तेज होती है, साथ ही स्थान और खाद्य पदार्थ स्थिर हैं, इसलिए जीवों में स्थान, भोजन और जनन के लिए वृद्धि संघर्ष होता है। ये संघर्ष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पहला संघर्ष अंतः जातीय संघर्ष यानी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, एक ही जाति के जंतुओं के बीच पाए जाने वाले संघर्ष अंतः जातीय संघर्ष कहलाते हैं। जाति एक होने के कारण इनकी आवश्यकताएं समान होती हैं, अतः संघर्ष ध्रुवीय होते हैं। कुत्ते का दूसरे कुत्ते से स्थान और भोजन और जनन के लिए संघर्ष, एक घने वन में या जंगल में यदि एक ही जाति के बीज का अंकुरण एक ही स्थान पर होता है तो वृद्धि के दौरान इनमें मृदा, खनिज, आर्द्रता, पानी, प्रकाश आदि आवश्यकताओं के लिए संघर्ष होता है, एवं इन संघर्ष में तेजी से वृद्धि करने वाले जीवित और मंद वृद्धि करने वाले मर जाते हैं। दूसरे संघर्ष की बात करें हम तो अंतराजातीय संघर्ष यानी भिन्न भिन्न जातियों के बीच, अलग अलग स्पीशीज के बीच अगर कोई स्ट्रगल होता है तो वो इंटर स्पेसिफिक संघर्ष कहलाता है। इनमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, जैसे कीट मेंढक का बनता है और मेंढक सांप का बनता है और सांप बाज का भोजन बनता है। तीसरा उदाहरण अगर अपन लें तो वातावरणीय संघर्ष बीच में शामिल होता है। जीव एक निश्चित वातावरण में निवास करता है जिसमें अनेक कारक जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, हिमगिरी, प्रकोप एटसेट्रा जो जीवों के साथ संघर्ष करते हुए जीवों को कम करने का प्रयास करते हैं, उनको वातावरणीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन सारे संघर्षों के बाद जो जाति जीवित रहती है वो आगे इवोल्यूशन में अपना पार्ट प्ले करती है, तो उसकी वंशागति होती है। इसी क्रम में हम देखें तो विभिन्नता और उसकी वंशागति, जब संघर्षों के बाद जाति उभर के आएगी तो जीवित रहेगी, उनमें विभिन्नताएं आएंगी और विभिन्नताएं आने से नई जाति का विकास होगा और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर उनके गुण होते चले जाएंगे। निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप जंतुओं में वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और एक जाति के सदस्यों में अथवा एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। इनमें कुछ हानिकारक, कुछ लाभदायक या कुछ उदासीन हो सकती हैं। पौधों में पर्ण हरित की उपस्थिति, हानिकारक विभिन्नताएं इसके कारण पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जेब्रा की गर्दन का लंबा होना और लाभकारी विभिन्नता है, इससे भोजन प्राप्ति में मदद मिलती है। उक्त तो सभी प्रकार की विभिन्नता वंशागति नहीं होती, एवं जो विभिन्नता वंशागत होती है वे उद्भिद विकास की दृष्टि से महत्व रखती हैं। अर्थात सतत विभिन्नता सदैव वंशागत होती है, कंटिन्यूअस जो वेरिएशंस होते हैं वो वंशागत होते हैं, जिन्हें विचलन भी कहते हैं। और अकस्मात उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं उत्परिवर्तन कहलाती हैं। ह्यूगो डिवरीज ने इसका नाम उत्परिवर्तन दिया था। योग्यता की उत्तरजीविता और प्राकृतिक वर्ण संघर्ष के परिणाम स्वरूप
सबसे योग्य प्राणी जीवित रहता है अथवा उसकी उत्तरजीविता प्राप्त होती है। डार्विन के अनुसार बदलते वातावरण के अनुसार लाभकारी विभिन्नताओं से युक्त जीव जीवित रहते हैं और शेष संघर्ष के दौरान पिछड़ जाते हैं। जीवित रहे सदस्यों का नेचर वर्ण करती है जिसे प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, बाकी अंततः विलुप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कैटल वेल ने अपने प्रयोगों में वन में पाए जाने वाले वृक्षों को गहरे रंग में बदल दिया, जिसके बाद बराबर बराबर संख्या में हल्के और गहरे रंग के जो शलभ हैं वो इन वृक्षों के तनों पर छोड़ करके अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि गहरे रंग के वनों से हल्के रंग के शलभों का अधिक भक्षण किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति वर्ण करती है और प्रकृति वर्ण उसी का करती है जो संघर्षों में उत्तरजीविता योग्य होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की पुष्टि होती है। थैंक यू।